ओके आज हम अपना चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले इसके बेसिक के बारे में डिस्कस करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, क्या मीनिंग है क्वाड्रिलेटरल का? वेरी गुड, क्वाड्रिलेटरल इज ए पोलिंग हैविंग फोर साइड्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज व्हाट इज पोलिंग। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक क्लोज फिगर है जो साइड से बनती है, लाइन सेगमेंट से बनती है, उस क्लोज फिगर को क्या कहते हैं? पॉलीगन। सबसे सिंपल टाइप का पॉलीगन, सबसे पहला पॉलीगन होता है ट्रायंगल, जिसमें कितनी साइड होती है? फिर सेकंड पॉलीगन जिसमें फोर साइड होती है, उसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। व्हाट इज पॉलीगन? ए पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय लाइंस सेगमेंट्स, जिसके हेल्प से बना है, लाइन सेगमेंट्स के हेल्प से बना है, ठीक है। तो जो सबसे पहला पॉलीगन है वो हमारा ट्रायंगल, बट आवर टॉपिक इज क्वाड्रिलेटरल। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल। A quadrilateral is a polygon having four sides इसकी फोर साइड्स होती है। इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी, पहली मेन जानकारी तो ये होगी इसके पास कितनी साइड है पॉलीगन में, सॉरी क्वाड्रिलेटरल में, फोर। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 degree. Second important point. Next और भी important जानकारी इसके बारे में कुछ examples हमें पता होना चाहिए। Type of quadrilateral. कुछ quadrilaterals के नाम बताइए। Very good. Rectangle, square, angle, square, compass, parallelogram, kite, trapezium, कोई भी फिगर जिसके अंदर फोर साइड है, कितनी साइड है? फोर। वे सारे क्या है आपके? क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मेन टाइप्स है जिनकी हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, किसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। हम जितने भी हमने कुछ टाइप्स लिखे थे उसमें से कुछ मेन टाइप्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल डायग्राम, सभी को पता है क्या क्या प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की? अपोजिट साइड्स। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एज पर दिस डायग्राम अपोजिट साइड कौन है? ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी। सेकेंड, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो यहां से क्या एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, सभी कितने डिग्री में हैं? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल।
डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ पर डायगोनल के नाम क्या रहे? AC is equal to BD. Next, diagonals bisect each other. Diagonal एक दूसरे को bisect करते हैं, आधा आधा काटते हैं। जो आधे पार्ट होंगे उनके लेंथ में क्या होंगे? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग AO is equal to CO and BO is equal to DO या OD, एक ही बात है। ये किसकी प्रॉपर्टी है? आपकी रेक्टेंगल। सेकंड फिगर स्क्वायर। अब करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर में दिखने में किसके जैसा होता है? स्क्वायर के जैसे ही, पर कुछ एक ही डिफरेंस है, इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसकी भी सभी साइड क्या होती है? इक्वल। और स्क्वायर की भी सभी साइड क्या होती है? इक्वल। तो डिफरेंस क्या है इनकी? पहली प्रॉपर्टी ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल टू बी सी is equal to CD is equal to AD. Next, इसमें difference ये है, इसमें सभी angles 90 degree के होते हैं, उसमें सभी angles 90 degree के नहीं होते। Angles are not of 90 degree. तो इसकी property क्या है? तो square का हमने opposite लिख दिया, तो इससे related point क्या रहा? Rhombus में तो main property है, वो ये है कि जो opposite angle है ना, वो equal होते हैं। Opposite angles of rhombus are equal. तो इस point के according कौन सा angle किसके equal होगा? Angle A, angle C के equal, और angle B, angle D के। ये
ये एंगल तो इससे इक्वल रहेगा और ये स्क्वायर में क्या था, डायगनल्स आर इक्वल, पर रोम्बस में डायगनल इक्वल नहीं होते, डायगनल्स आर नॉट इक्वल, बट bisect each other at 90 degrees. तो diagonals equal नहीं होते, पर एक दूसरे को काट के कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 degree. यहाँ से पॉइंट AO is equal to CO, BO is equal to DO, अब इक्वल, और एक दूसरे के ऊपर क्या है ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये हुई हमारी प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, कुछ ऐसी फिगर दिखने में ए बी सी डी, इसका पहला पॉइंट sides are equal and parallel. ये कोई प्रॉब्लम नहीं है. AB is equal to CD and AB parallel CD. Second, AD is equal to BC and AD parallel BC. इसकी मेन प्रॉपर्टी सबसे मेन ये है कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल और पैरेलल होती है. पैरेललोग्राम के भी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. थर्ड वन, डायगोनल्स लेंथ में इक्वल नहीं होते बट बाइसेक्ट ईच अदर. Diagonals bisect each other. सिर्फ bisect करते हैं, कोई 90 degree का angle नहीं बनाते. ये part इसके equal, और ये वाला इसके equal. क्या लिखते हैं? AO is equal to CO, BO is equal to DO. नेक्स्ट है हमारा ट्रेपेजियम. सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की जो मेन स्पेशल बात है वो एक ही है, इसमें एक अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होती है. जैसे एक आपके पास डायग्राम है, ट्रेपेजियम की मेन प्रॉपर्टी यही है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर एक अपोजिट साइड आपस में, एक पेयर अपोजिट साइड आपस में पैरेलल, ए बी पैरेलल बी सी. बात नहीं है कि आपको कुछ और बताया जाए. सेकंड वन लास्ट, इसके बाद क्या बच गया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल. ये होती है हर विषय. इसमें टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आ जाते हैं, जैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके, ठीक है, बस यही इनकी इसकी प्रॉपर्टी है. टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल एज शोन इन As per this diagram, AB is equal to
AB and BC is equal to BC या CD. और इसमें सिर्फ ये एक एंगल इक्वल एंगल B is equal to एंगल पहले पे एक साइड और दूसरे पे एक साइड इनके बीच में बनने वाला एंगल ऐसे इस साइड से जो एंगल है वो आपस में इक्वल है. ऐसे यहाँ से एंगल B is equal to एंगल डायगनल्स लेंथ में इक्वल नहीं होते. आपको भी दिख रहा है बहुत छोटा डायगनल और एक लेंथ में बहुत बड़ा डायगनल्स इक्वल नहीं होते. स्पेशल बात क्या रही डायगनल्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर. डायगनल्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर. डायगनल्स एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते. Is that clear? एक डायगनल बाइसेक्ट होता है सर. जो लॉन्गेस्ट डायगनल है ना वो स्मॉलर डायगनल को क्या कर देगा बाइसेक्ट. सिर्फ ये पार्ट आपस में लेंथ में इक्वल होता है ये दूसरे वाला नहीं. Is that clear? लॉन्गर डायगनल बाइसेक्ट द स्मॉलर. जो बड़े वाला डायगनल है bisects the smaller diagonal. ये वही मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं. जो भी फिगर हमारे इस चैप्टर में आएगी काइट का शायद कोई क्वेश्चन नहीं है. ट्रेपीजियम तक के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में डिस्कस होंगे इस चैप्टर में डिस्कस होंगे. नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें सबसे पहले होल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल. सभी स्क्वायर को क्या कह सकते हैं रेक्टेंगल कह सकते हैं. बट ए रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर. एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होती. सेकंड ए रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होती. थर्ड पॉइंट सभी स्क्वायर रोम्बस होते हैं क्योंकि जितने भी स्क्वायर की प्रॉपर्टी है वे सारी रोम्बस में है. बट जो रोम्बस है वे स्क्वायर नहीं होते. नेक्स्ट पॉइंट ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. बट एक जो रोम्बस है या ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर. ये जितनी भी फिगर डिस्कस हुई थी हमारी पैरेललोग्राम तक रेक्टेंगल सेकंड वन हमने डिस्कस की स्क्वायर थर्ड डिस्कस की रोम्बस और फोर्थ पैरेललोग्राम. ये सारी फिगर पैरेललोग्राम कह सकते हैं. सभी डायग्राम को क्या कह सकते हैं पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल स्क्वायर रोम्बस होल आर पैरेललोग्राम. अगर इन सभी डायग्राम को पैरेललोग्राम कह सकते हैं तो इनके ऊपर पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टीज लग सकती है. इज दैट क्लियर. अब हमारे जो क्वेश्चंस है वे क्या हैं उसमें आएगा कि एक रेक्टेंगल को एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल क्या है एक स्क्वायर है. वहां पर हमें कुछ गिवन कंडीशंस होंगे कुछ गिवन पॉइंट होंगे. हमें उन पॉइंट्स की हेल्प से एक रेक्टेंगल को क्या प्रूव करना है स्क्वायर. तो एक रेक्टेंगल तो स्क्वायर नहीं होती है. ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल. अगर आपको रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा. एक रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूव करने के लिए क्या करें. अब अभी अगर मैं रेक्टेंगल की इस साइड को इसके प्रूव कर दूं ये दोनों साइड आपस में इक्वल है. ये साइड इसके इक्वल है और ये
इसके और ये इसके तो चारों साइड क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, तो उसकी एडजेसेंट साइड को क्या प्रूव कर दें इक्वल। रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूव करें। अगर एक रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। सेम फॉर रोम्बस, एक रोम्बस में और एक स्क्वायर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक 90 डिग्री का डिफरेंस। अगर एक रोम्बस को एक स्क्वायर प्रूव करना है तो उसके किसी भी वर्टेक्स एंगल को क्या प्रूव कर दें 90 डिग्री। रोम्बस को स्क्वायर प्रूव करने के लिए रोम्बस के वर्टेक्स एंगल्स को क्या प्रूव कर दें 90 डिग्री प्रूव करें, तो हम कह सकते हैं कि जो रोम्बस है वो क्या है, एक स्क्वायर है। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है प्रूव दैट पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हमने जो रफ फिगर बनाई थी पैरेललोग्राम की कुछ ऐसे बनाई थी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल की भी प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो डिफरेंस क्या बचा एंगल्स का? अगर उस पैरेललोग्राम को थोड़ा सा सीधा कर दें तो क्या बन जाएगा वो रेक्टेंगल को सीधा करने का मतलब क्या है, उसके एंगल्स को क्या बना दें 90 डिग्री। अगर हम प्रूव कर दें कि पैरेललोग्राम का ये एंगल 90 डिग्री है, इट मींस ये लाइन एकदम कैसी है, सीधी है, तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए प्रूव करने के लिए पैरेललोग्राम के एंगल को क्या प्रूफ कर दो, किसी भी एंगल को क्या करें 90 डिग्री प्रूफ कर दें, तो हम क्या कह सकते हैं पैरेललोग्राम इसे रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम क्या आपका एक रेक्टेंगल है। ऐसी कोई और प्रॉपर्टी आती है तो मेन पॉइंट्स हैं मेनली इस चैप्टर में कुछ ऐसे डिस्कस होने वाले हैं। कोई और पॉइंट यहाँ पर अगर मिस हो भी गया होगा तो चैप्टर करते हुए हम वहां पर अपना डिस्कस करेंगे। थ्योरम 8.1 में क्या कहा गया है, एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कोंग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, तो इस डायग्राम में आपको गिवन और टू प्रूफ खुद समझना है कि इस लाइन में गिवन क्या है और टू प्रूफ क्या है। गिवन क्या है, डायग्राम एक पैरेललोग्राम है, और टू प्रूफ हुआ डायगोनल लेफ्ट पैरेललोग्राम की दो ट्रायंगल बनाई और दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है कोंग्रुएंट। ठीक है, इक्वल आपके पास एकदम ठीक है, इक्वल मीन्स कोंग्रुएंट। तो गिवन हमारे ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, एंड ए सी इज इट्स डायगोनल, टू टू डायगोनल से जो दो ट्रायंगल्स बनी हुई आपस में कोंग्रुएंट है, तो पहली ट्रायंगल जो ऊपर आपको दिख रही है इन ट्रायंगल ए डी सी, सॉरी एक तो ये ट्रायंगल इसके कोंग्रुएंट करनी है ए डी सी कोंग्रुएंट सी डी ए, फर्स्ट दोनों ट्रायंगल्स को उठाइए और इनमें तीन
इक्वल कोरस्पोंडिंग पार्ट ढूंढिए एज पर आवर रूल्स, जो हमारे रूल्स हैं कोंगलियन से। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगी? पैरेलल। और अगर पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इस एंगल का नाम नंबर्स डालें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब रीजन तो देना पड़ेगा क्यों लिखा हमने। बीसी पैरेलल एबी, ये बने हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप पूरा लिखें। सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। अब इसके लिए रीजन, एडी और बीसी आपस में क्या है? पैरेलल। एडी पैरेलल बीसी, ये भी बन गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर। एक पार्ट और इक्वल देखिए, एसी, वेरी गुड, एसी इज इक्वल टू रीजन कॉमन। और अगर ये कॉमन है तो रूल देखिए, एंगल साइड एंगल बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यही था हमारा फर्स्ट पार्ट। और ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी डी ए हो गया। सेकंड थ्योरम है इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेम यही क्वेश्चन करना है। सेम ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने के बाद सीपीसीडी से क्या लिख सकते हैं? डी सी इज इक्वल टू ए बी and AD is equal to BC. Theorem 8.2. क्या है? In a parallelogram, opposite sides are equal. In a parallelogram, opposite sides are equal. Same diagram जैसा first question में है, सब कुछ सेम, बस टू प्रूफ चेंज हो जाएगा। जो भी आपका डायग्राम है सेम बनाए, ए बी सी डी जो भी पॉइंट्स वहां पर डालें यहां पर भी वही रहेंगे। एंगल 1, 2 एंगल 3 और एंगल 4 गिवन। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, सॉरी आप बिल्कुल ठीक है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। To prove opposite sides are equal, तो हमें क्या करना है? AB is equal to BC, AD is equal to BC. Proof same as above. जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में गया, सारा काम सेम करें और लास्ट में हम कहां पहुंच जाएंगे? ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल सी बी ए। आपको पूरा सॉल्यूशन करना है, कहीं कॉपी में भी आप ऐसे लिख दो और पेपर में भी ऐसे लिख के आओ। सेम थ्योरम आपके 8.1 है और लास्ट में एक पॉइंट ऐड कर देंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी बाय सी पी सी डी और डी सी इज इक्वल टू बी ए या ए बी बाय सी पी सी डी। वही दो ट्रायंगल्स आपको कॉन्ग्रुएंट करनी है जो फर्स्ट पार्ट में किया गया है, थ्योरम 8.1 में किया गया है और उसके बाद लास्ट में दो पॉइंट। प्रॉब्लम किसी को? कीजिए नोट।